हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की वीडियो सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू चैप्टर का नाम है, आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू को हम हिंदी में कहते हैं संप्राप्ति। आपको पता है कि एक सेलर, एक विक्रेता, जो भी प्रोड्यूस कमोडिटीज़ हैं उन सभी को बेचने के बाद जितना भी उसे मॉनेटरी बेनिफिट होता है, यानी जो भी उसे मनी रिसीव होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिवेन्यू। सपोज़ मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं अगर दिन भर में जितनी भी सेल करता हूँ, जो भी मुझे मॉनेटरी बेनिफिट होगा, यानी जो भी मुझे मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होगी, वो मेरी क्या कहलाती है? रिवेन्यू कहलाती है, यानी उसी को हम कहते हैं संप्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं टोटल रिवेन्यू। देखो, टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? कुल संप्राप्ति, यानी कि कुल आय। यानी एक विक्रेता के द्वारा, एक सेलर के द्वारा जितनी भी ऑल ओवर टोटल सेल की जाती है, जितनी भी वो क्वांटिटी या कमोडिटीज़ को वो बेचता है और बेचने से जो भी उसे टोटल मनी रिसीव होती है, दे आर सम इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। उसके टोटल को, उसके कुल योग को हम क्या कहते हैं? कुल आय, या फिर हम कुल संप्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज रिवेन्यू, यानी औसत संप्राप्ति, यानी कि औसत आय। देखो, एवरेज रिवेन्यू का मतलब ये है, टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। यानी औसत संप्राप्ति का मतलब होता है कुल संप्राप्ति के प्रति इकाई स्तर को हम औसत संप्राप्ति कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिन भर में एक शॉपकीपर लगभग 100 बॉटल्स बेचता है और 100 बॉटल्स बेचने में उसे लगभग 5000 रुपये की इनकम होती है। जरा सोच के बताओ, एक बॉटल पे कितनी इनकम हुई होगी? 5000 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, यानी 50 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज रिवेन्यू है वो हमें कितना हो रहा है? 50। तो एवरेज रिवेन्यू का मतलब है पर यूनिट ऑफ इनकम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीमांत संप्राप्ति। देखो, आप जानते हो कि जो सेलर है, अगर वो जितनी भी टोटल सेल यूनिट्स हैं, अगर उनमें से वो वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करता है, या फिर ज़्यादा या फिर कम, हो सकता है कि जो सेलर है वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करे या फिर वो कम क्वांटिटी सेल करे, उससे जो भी उसके टोटल रिवेन्यू में चेंज आएगा, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिवेन्यू। या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन टोटल रिवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रिवेन्यू। कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन सीमांत संप्राप्ति कहलाता है, यानी मार्जिनल रिवेन्यू कहलाता है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, TRN - TRN - 1, यानी नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को जब आप माइनस करते हैं तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्राफिकल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। TR का मतलब टोटल रिवेन्यू, AR का मतलब एवरेज रिवेन्यू और MR का मतलब मार्जिनल रिवेन्यू। सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिगर की शेप इस तरह से ही आपको बनानी है, और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको आउटपुट से मेंशन करेंगे। अगर मैं फिगर को डिस्क्राइब करूँ तो फिगर के दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है? टोटल रिवेन्यू। और फिगर बी के पार्ट बी में एक्स एक्सिस पे सेम अगेन आउटपुट और वाई एक्सिस पे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। TR नोन एज टोटल रिवेन्यू, AR नोन एज एवरेज रिवेन्यू एंड MR नोन एज मार्जिनल रिवेन्यू। ये तो फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर दिया हमने, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं TR और MR में क्या रिलेशन है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। जब TR इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो आपको पता है MR डिक्रीज होता है। जब TR इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो MR क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब TR डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि TR घटती दर से बढ़ता है तो MR इंक्रीजिंग रेट से गिरता है, MR तेजी से गिर रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन TR इज मैक्सिमम एट पॉइंट P, यानी जब TR P बिंदु पर अधिकतम है तो MR विल बी जीरो। और उसके बाद जब TR डिक्लाइन होता है, यानी TR गिरना प्रारंभ होता है, तो MR बिकम नेगेटिव, यानी MR क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये TR और MR के बीच में हमने रिलेशन को जाना। अब हम बात करते हैं AR और MR में क्या रिलेशन है। तो AR और MR में रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए, जब MR और AR फॉल होते हैं तो MR ज़्यादा तेजी से फॉल होता है। नंबर टू, AR ऑलवेज MR के अपसाइड सिचुएटेड होता है, यानी जो AR है, AR वक्र हमेशा MR वक्र के ऊपर की ओर स्थित होता है। नंबर थ्री, MR शून्य व ऋणात्मक हो सकता है, यानी MR जीरो और नेगेटिव हो सकता है, बट AR जीरो तो होता है बट नेगेटिव नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से समझो कि आपने देखा है कि दुकानदार आपसे सामान के बदले में, पैसा लेने के बदले आपको देना प्रारंभ कर दे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि AR कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो MR जीरो और नेगेटिव हो सकता है बट AR जीरो तो होता है बट नेगेटिव नहीं होता है। और एक लास्ट पॉइंट, AR और MR बोथ विल बेस्ड ऑन TR। आपको पता है
AR और MR दोनों किस पे बेस्ड होते हैं? TR पे। कैसे? जरा यहाँ पे देखिए, AR इक्वल टू क्या था? TR अपॉन Q, और MR इक्वल टू क्या है यहाँ पे? TRN माइनस TRN माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे जाके आपका TR, MR और AR में रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं, रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। देखो, रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मार्केट, मार्केट के बारे में आपको जानना चाहिए। मार्केट एक पूरा चैप्टर है जो आप आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मार्केट का मतलब होता है बाजार, यानी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं। बायर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स या कमोडिटी को बाय करता है, जबकि सेलर प्रॉफिट मोटिव के लिए अपनी गुड्स या कमोडिटी को सेल करता है। सो दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को मैं आपको बताऊँ हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट आर दोज मार्केट इन विच ऑल द सेलर हैव अ होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, आप इसका मतलब ये समझो कि सभी सेलर के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं जो कलर में, ब्रांड में, शेप में, साइज में एक समान होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे न्यू फर्म के आने और जाने पे पूरा फ्रीडम होता है। यहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होती है, मैं फिर से बता दूँ, फर्म प्राइस टेकर होती है, यानी जो फर्म्स हैं वो अपने बेसिस पे रेट तय नहीं करेंगी। जो पहले से इंडस्ट्री ने रेट डिसाइड कर दिया, उसी रेट पे ही उन्हें अपना सामान बेचना है। यानी कह सकते हो आप कि उनका प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आप ऐसा समझें, अगर एक शॉपकीपर, चाहे वो 1 क्वांटिटी बेचे, 2 क्वांटिटी बेचे, 3 बेचे या 4 या 5, उसको पर यूनिट ऑफ कमोडिटी 5 रुपीज़ ही मिलेंगे। यानी हर, जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरा मार्कर का बिजनेस है, और अगर मैं मार्कर सेल करता हूँ तो मैं 1 मार्कर बेचूंगा तो भी मुझे 5 रुपीज़ मिलेगा, और अगर मैं 10 मार्कर बेचूंगा तो 5 × 10 मुझे कितना मिलेगा? 50। यानी पर मार्कर मेरी जो इनकम है वो 5 है। तो आपने देखा यहाँ पर यूनिट जो इनकम है वो 5 रुपीज़ है, और अकॉर्डिंग टू दिस आप देख सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू 1 × 5, 5, फिर देन 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। और अगर मैं MR की बात करूं, यानी मार्जिनल रिवेन्यू, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सपोज यहाँ पे 0 है तो 5 - 0 यानी 5, 10 - 5 यानी कि 5, 15 - 10 यानी कि 5, ऐसे ही सेम 20 - 15 यानी कि 5, और लास्ट में 25 - 20 यानी कि 5। आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे AR इक्वल टू क्या है? MR। इसका मतलब ये कि सेलर कितनी भी कमोडिटी सेल करे, लेकिन जो पर यूनिट होने वाला रिवेन्यू है वो फिक्स है। इस चीज़ को आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। जैसे आपने देखा कि इस फिगर में एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिखाया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे रिवेन्यू या फिर प्राइस आपने मेंशन किया हुआ है। आपने देखा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी कमोडिटी सेलर सेल करे, बट उसे पर यूनिट ऑफ कमोडिटी 5 रुपीज़ की इनकम ही होनी है। और इसका जो डायग्राम है AR इक्वल टू MR, वो हॉरिजेंटल होता है, यानी ऑल टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जाके ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। बाकी थैंक यू।